झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस एवं स्वाट टीम के सहयोग से मोट कोतवाली क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों समेत पुलिस ने 3 बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस एवं स्वाट टीम ने दबोच लिया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात और नकदी बरामद करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर बताई गई जगह पर थाना प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडे, स्वाट टीम समेत अन्य चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर घेराबंदी की तो पंचवटी क्रॉसिंग के पास खड़े 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें मोट कोतवाली के टॉप 10 अपराधी समेत पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों के पास से 312 एवं 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 16,800 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने अवैध असलाह बरामद होने पर विभिन्न धाराओं में बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। झांसी SSP राजेश एस के मुताबिक जिले में हुई चोरियों के लिए अलग अलग गठित टीम अपराधियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली तो सीपरी बाजार पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर घेराबंदी की। 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया, जिनके पास से अवैध तमंचा, चोरी के जेवरात एवं नकद रुपए बरामद हुए, जिनके खिलाफ कार्यवाही कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। झांसी जनपद में थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत कुछ जनकपजनिक घटनाएं हुई थी और उस घटना में कुछ जगह पे हम लोगों का CCTV फुटेज उपलब्ध हो गई थी। उस CCTV फुटेज का आधार पर हम लोग अलग अलग टीम गठन करके इस घटना को खुलासा करने के लिए कार्य कर रहे थे। हमारा जो क्राइम क्रैकिंग टीम है, जो स्वाट टीम है, उसको सफलता मिल गई थी और इसमें शातिर चोर 2 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है, जिसमें इन लोगों का जो घटनाएं हैं वो कबूल लिया और जो CCTV फुटेज में दिख रहे थे वो भी मैच कर लिया हम लोग। कुल 6 घटनाएं इसमें खुलासा हुआ है और कुल जो हमारा जो इस घटना में जो बरामदगी है लगभग 190 ग्राम सोना और 1 किलो लगभग जो चांदी का जेवरात है ये बरामद किए हैं। ये कुल कीमत अभी 15 लाख की बरामद किए हैं। इस गैंग में एक और व्यक्ति है जो अभी फरार चल रहा है, जो पूछताछ में हम लोगों को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरा राज्य में अभी फरार है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार करने के लिए हमारा टीम अभी लगे हुए हैं। हमारा जो स्वाट टीम है लगातार बहुत प्रयास करके लगभग 5 महीने हम लोग इसमें काम करने के बाद ये सफलता प्राप्त किए हैं। उन लोगों को 25,000 इनाम दिया जा रहा है। सर, इसमें कुछ जो पकड़े गए उनमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, पुलिसकर्मी के परिवार के हैं कुछ लोग? पूछताछ में इतना पता चल रहा है कि एक जो दीपक है, जो शातिर चोर है, जिसको ऊपर लगभग 26 मुकदमा है, उनका पिताजी को भी हम लोग जेल भेज रहे हैं इसी घटना में, क्योंकि वो सोने का जेवरात और सब उसको छुपाने में मदद किए हैं। उनका परिवार में एक कानपुर कमिश्नरेट में सिपाही के रूप में एक व्यक्ति काम कर रहा है, ये प्रकाश में आया है। उसको डिटेल्स अभी प्राप्त करके हम संबंधित जनपद को पत्राचार करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इनका सर इतने ही गैंग है या और भी लोग इसमें हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि इसमें एक और व्यक्ति फरार है जो दूसरा राज्य में अभी हम लोग को सूचना मिल रही है पूछताछ के दौरान, तो उनको भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार कराएंगे। थैंक यू।